मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये आज अतिशय महत्त्वाची बैठक झाली। मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करावे लागेल ते पूर्णपणे सरकार फुल प्रूफ करेल अशा प्रकारची चर्चा झाली। या बाबतीमध्ये जी काही क्युरेटिव पिटिशन फाईल करण्याच्या बाबतीमध्ये पुढची जी काही रूपरेषा जी आहे डिटेल सर्वे असेल या संदर्भामध्ये शंभूराज देसाई आणि आमच्या उपसमितीने तुम्हाला विस्तृतपणे माहिती दिलेली आहे। मी एवढंच सांगतो, पूर्वी आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या सर्व त्रुटी दूर करण्याचं काम राज्य सरकार करेल। राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे हे या ठिकाणी मी खात्रीपूर्वक सांगू इच्छितो। आणि तोपर्यंत ज्या सुविधा इतर समाजाला ज्या मिळतात त्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना असेल, मराठा समाजाच्या तरुणांना असतील, त्या दिल्या जातील। आणि दर आठवड्याला एक उपसमितीची बैठक घेण्याचा देखील निर्णय झालेला आहे, त्यामुळे मराठा समाजामध्ये कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे त्या समाजाच्या मागे राज्य सरकार खंबीरपणे उभं आहे, पाठीशी त्यांच्या उभं आहे, एवढंच या प्रसंगी मी आपल्याला मराठा आरक्षण को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और बाकी सभी उप समिति के सभी मेंबर थे और एजी थे, सभी लोग थे उसमें। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने का निर्णय हुआ है और साइमल्टेनियसली जो डिटेल और डीप सर्वे ये मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए जो निर्णय लिया हुआ है उसकी चर्चा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी शंभूराज देसाई चंद्रकांत पाटिल इन्होंने आपको दी हुई है। मराठा समाज को आरक्षण देना इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो सरकार पूरी तरह फुल प्रूफ करेगी। हर हफ्ते में एक मराठा समाज समिति जो उप समिति जो है कैबिनेट सब कमेटी उसकी बैठक होगी, जो जो छोटे बड़े इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और मराठा समाज आरक्षण लागू होने तक जो सुविधा अन्य समाज को दी जा रही है वो पूरी सुविधा मराठा समाज के सभी कैंडिडेट को और स्टूडेंट को दी जाएगी। थैंक यू।